ओम शांति। विश्व परिवर्तन तीसरी रविवार के इंटरनेशनल योग का समय हो सकता। बाबा ने डायरेक्ट मुरलियों में ऐसा नहीं कहा, परंतु इनडायरेक्ट संदेश समझ में आ रहा है। अमृत वेले का महत्व है, संध्या के योग का भी महत्व है, और तीसरा इंटरनेशनल योग थर्ड संडे का महत्व। इन तीनों पर हम ध्यान से देखेंगे। अमृत वेला जब रात से दिन हो रहा हो, हम रात को समय पर जल्दी सो गए हो, शरीर को पूरा आराम मिल चुका हो, और अमृत वेला हम उठकर स्वयं को पावरफुल बनाएं, स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, ये अमृत वेले का योग स्वयं के लिए। फिर हमारा शक्तिशाली बनना, हमारा समर्थ बनना सारे विश्व की सेवा के निमित्त बनता है। संध्या के समय भी सारा दिन का पोता मेल चेक करना और बाबा के साथ बैठकर अपने आप को डायरेक्शन देना, ये स्वयं के लिए, स्वयं को उन्नत करने के लिए दोनों समय निश्चित। वह हर देश में अलग अलग है, क्योंकि हर देश का अमृत वेला अलग अलग है, हर देश का संध्या समय भी अलग अलग है। तीसरा बाबा ने हमें दिया थर्ड संडे इंटरनेशनल मेडिटेशन, जिसमें विशेष रूप से बाबा सारे संसार के अनन्य बच्चों को इनवाइट करते कि सभी मिलकर सारे विश्व की आत्माओं को साकाश दे, एक साथ साकाश दे। चाहे कहीं आधी रात का समय होता है, चाहे दोपहर का समय होता है, परंतु इंटरनेशनल मेडिटेशन के लिए भारत के समय अनुसार शाम को 6:30 से 7:30 निश्चित किया गया, और वो अनन्य बच्चे उसी समय पूरे विश्व में इसी निश्चित समय पर बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को साकाश देते। तो सृष्टि परिवर्तन के लिए ब्राह्मण आत्माओं को, विशेष अनन्य आत्माओं को एक साथ संकल्प करना, जिसके लिए बाबा की ये वंडरफुल युक्ति है कि सारा विश्व एक समय पर, वो अनन्य बच्चे एक समय पर बैठकर एक साथ सारे विश्व के कल्याण के लिए संकल्प करें, और ये उन अनन्य बच्चों को ये संदेश बाबा का मिलेगा, वो किसी मुरली के माध्यम से नहीं मिलेगा, वो किसी टेलीफोन के माध्यम से नहीं मिलेगा, किसी भी संचार माध्यम से नहीं मिलेगा। जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी,
जो ऐसे समय पर बाबा के साथ, बाप दादा के साथ बैठकर साकाश देने के अभ्यासी होंगे, वो उसी सेकंड उसे रिसीव करेंगे, संकल्प करेंगे विश्व परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन हो। ओम शांति।